नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज है 18 तारीख और ठीक 8 दिन के बाद यानी कि 26 फरवरी को होने वाले महाजन आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप सभी से गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि PACL कंपनी से जुड़ी जानकारी आप सबसे पहले पाएं। तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा 26 फरवरी 2018 को PACL निवेशकों द्वारा मुंबई में महा आंदोलन होने जा रहा है और यह आंदोलन जनलोक प्रतिष्ठान के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों इस आंदोलन का अहम मुद्दा तो ये है कि 3 साल से सेबी ने क्या किया है और कितना समय लगेगा PACL नियोजकों का पैसा देने में, और सेबी को हमें बताना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हमें हमारा पैसा क्यों नहीं दे रही है। PACL नियोजकों का पैसा देने के लिए सेबी ने लोढ़ा कमेटी का गठन किया था, तो फिर सेबी और लोढ़ा कमेटी इतने सालों से क्या कर रही है। तो दोस्तों अगर आप सभी लोगों ने साथ दिया तो सेबी को इन सभी सवालों का जवाब देना होगा। न जाने कितने PACL निवेशकों की मृत्यु हो गई अपने पैसे का इंतजार करते करते। दोस्तों हर राज्य के गरीब PACL निवेशकों का PACL कंपनी में पैसा फंसा हुआ है और वे निवेशक 4 साल से अपने पैसे का इंतजार कर रहे हैं और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार 4 साल से चुप्पी साधे हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि पल्स की सभी प्रॉपर्टी बेचकर PACL निवेशकों का पैसा वापस किया जाए और इतने सालों के बाद भी सेबी ने सिर्फ 2500 रुपए वाले निवेशकों का पैसा वापस करने का फैसला लिया है। यानी कि सेबी ने उन निवेशकों से ये आवेदन मांगे हैं जिनका 2500 रुपया या 2500 रुपए से कम है। और यह सेबी भली भांति जानती है कि PACL कंपनी में ऐसे गरीब निवेशकों का पैसा है जिनको ABCD तक का ज्ञान नहीं। तो दोस्तों ऐसे निवेशक ऑनलाइन आवेदन कैसे भर पाएंगे, या तो ऐसे निवेशक अपना आवेदन भरने के लिए किसी पर निर्भर हो जाएं। और दोस्तों ऐसे निवेशकों के साथ धोखा हो रहा है, उनका आवेदन भरने के लिए कुछ लोगों द्वारा उन्हें ठगा जा रहा है और आवेदन भरने की प्रक्रिया कुछ निवेशकों के लिए इतनी कठिन है कि आवेदन भरने के लिए उन्हें मजबूरन पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे निवेशकों की मदद के लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा और हमें यह मांग करनी होगी आवेदन भरने की प्रक्रिया को ऑफलाइन किया जाए ताकि ऐसे निवेशकों को अपना पैसा पाने के लिए और पैसा न चुकाना पड़े। दोस्तों इस संगठन का साथ देने के लिए देश भर के हजारों लाखों निवेशक मुंबई आ रहे हैं। दोस्तों यह आंदोलन MMRD ग्राउंड BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में होगा और यह आंदोलन सुबह 10 बजे होगा। दोस्तों मैं आप सभी से यह निवेदन करता हूं कि इस आंदोलन में आप शामिल हों और अपने दोस्तों को भी शामिल करें। इस आंदोलन में मुंबई में स्थित सेबी हेड ऑफिस का घेराव किया जाएगा और जनलोक प्रतिष्ठान संगठन इस आंदोलन का जोरों से प्रचार कर रही है। इसमें हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इस आंदोलन का साथ दें और इस संगठन का साथ दें। दोस्तों 4 साल से सेबी PACL कंपनी के केस पर काम कर रही है और न जाने कितने साल लेगी PACL निवेशकों का पैसा लौटाने में। तो दोस्तों मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस आंदोलन में शामिल हों और जनलोक प्रतिष्ठान संगठन की ताकत बने।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे आइकॉन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि PSL से जुड़ी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे।